लोगों का शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि वे अपने खान पान और सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहीं बिजी होने के कारण पोषक तत्व की बजाय बाहर का खाना खा लेते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं परेशानियों में से सबसे ज्यादा दिल से संबंधित और कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां अधिकतर लोगों को होती है। लेकिन आपको बता दें कि इसका एक कारण आपके घर के खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल भी हो सकता है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे तेलों के बारे में बताएंगे जिसके सेवन से आप सेहतमंद रहेंगे। आइए जानते हैं उन तेलों के बारे में। नंबर वन, नारियल का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि नारियल के तेल में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा फाइबर और मिनरल्स की मात्रा मौजूद होती है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी नहीं होती। साथ ही नारियल के तेल का उपयोग करने से दिल से संबंधित बीमारियां कम होती हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। नंबर टू, वहीं जैतून का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आपको बता दें कि जैतून के तेल के उपयोग से आप मोटापे से बचे रहते हैं। साथ ही खाने में जैतून का इस्तेमाल करने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है और दिल से संबंधित बीमारियां भी दूर रहती हैं। नंबर थ्री, तिल के तेल में फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं तिल का तेल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होता है, साथ ही आप स्वस्थ बने रहते हैं। नंबर फोर, बादाम का तेल हमारी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करता है, साथ ही इसके सेवन से हमारी याददाश्त बढ़ती है। वहीं बादाम के तेल के सेवन से आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएं भी आसानी से दूर होती हैं। इसके अलावा बादाम का तेल आपको आंतों के कैंसर से बचाता भी है। नेक्स्ट नाइन क्रन हेल्थ एक्स से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।